मीराबाई का जीवन परिचय। मीराबाई का जन्म 1498 में राजस्थान के चौकड़ी नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रतन सिंह था। इनका जन्म राठौर राजपूत परिवार में हुआ था। बचपन से ही मीरा कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी। जब मीराबाई थोड़ी बड़ी हुई तो इनका विवाह उदयपुर के महाराणा कुंवर भोजराज के साथ करा दिया गया। मीराबाई के पति मेवाड़ के महाराणा सांगा के बेटे थे। विवाह के कुछ दिन बाद ही मीराबाई के पति का स्वर्गवास हो गया। मीराबाई के पति की मृत्यु के कुछ साल बाद मीराबाई के पिता और ससुर की इस्लामिक सेना के साथ युद्ध करते करते मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु होने पर लोगों ने उन्हें सती होने को कहा, लेकिन वे नहीं मानी। उनके ससुराल वाले उन्हें बहुत परेशान करने लगे। वे मीरा को घर से निकालने के प्रयत्न करते थे। उनका जीवन अस्त व्यस्त होने लगा। उन्हें संसार से मोह माया नहीं रही और वे कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गई। वे साधु संतों की संगति में रहने लगी। वे कृष्ण जी के भजन गाकर नाचने में मग्न रहती थी। इस तरह से वे अपना जीवन व्यतीत करने लगी। लेकिन यह बात राज परिवार को अच्छी न लगी। इस कारण से मीराबाई के देवर ने उन्हें कई बार विष देकर मारने की कोशिश की। एक बार फूलों की टोकरी भेजी जिसमें सांप था, किंतु कृष्ण जी की कृपा से उन पर किसी तरह का कोई प्रभाव न पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि वह सांप फूलों की माला बन गया था। एक बार विक्रम सिंह ने उन्हें पानी में डूब के मर जाने को कहा, लेकिन वे पानी में तैरती रही, डूब नहीं पाई। लेकिन घरवालों के इस तरह के व्यवहार के कारण वे द्वारका या वृंदावन चली गई। वहां पर लोग इन्हें सम्मान देते थे। वहीं पर इनकी मृत्यु लगभग 1546 के आसपास हुई। वैसे इनकी मृत्यु से जुड़ा कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि वे कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई थी। कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होकर इन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। वे कृष्ण भगवान की भक्ति में इतना डूब चुकी थी कि गोपियों की तरह कृष्ण भगवान को अपना पति मान बैठी थी। इनकी रचनाओं में सरलता, सहजता और आत्मसमर्पण का भाव दिखाई देता है। इनके द्वारा रचित पदों में विविधता देखने को मिलती है। इन्होंने कहीं कहीं राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया है तो कहीं शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग, कहीं कहीं गुजरती पूर्वी हिंदी का प्रयोग किया है, जिस वजह से इन्हें गुजरती कवयित्री भी कहा जाता है। गीत गोविंद टीक, सोरठा के पद, राग गोविंद, नरसी जी रो मायरो, उपयुक्त चारों रचनाएं मीरा की पदावली के नाम से संग्रहित और प्रकाशित हुई।